हाँ मैडम, क्या आरोप लगे थे उनके ऊपर? बताया जा रहा था कि किसी महिला ने आरोप लगाया है कि गोली खिलाकर, देशी गोली खिलाकर और बच्चे का झांसा दिया था। द्वारा आरोप लगाया गया है कि शादी के कई साल बाद में बच्चे नहीं हो रहे थे, इस संबंध में वो उनसे मिले, इसी का ही फायदा उठाकर उनके द्वारा दुष्कृत किया गया है। ये जो भी शिकायत हमारे पास कल आई है और उसी के तहत अपराध रजिस्टर्ड किया गया है। उसमें बताया कि बताई जा रही है कि जनवरी की या फरवरी की घटना बताई जा रही है, कुछ बोल रहे हैं कि जुलाई की नहीं। अभी स्टेटमेंट उनके भी कंटिन्यू लिए जा रहे हैं, इनका भी बातचीत चल रही है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो होगा आपको अवगत कराया जाएगा। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी भोपाल पुलिस के द्वारा की गई। बाबा के मकान की सर्चिंग की गई मैडम? अभी कल ही अपराध रजिस्टर्ड हुआ है, तो जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर ये चीज़ें और आएंगी तो उसके बारे में भी आपका पता चलेगा। स्टार प्रचारक दिग्विजय सिंह जी के चुनाव प्रचार में जो भस्म होने की बात कर रहे थे और कमलनाथ जी के बेहद करीबी मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है, कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि तंदूर कांड हो या करण मोरवाल हो या फिर इस तरीके के पाखंडी बाबा, कांग्रेस हमेशा इनके संरक्षण में क्यों खड़ी रहती है? आज कहां पर है कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी? आज कहां पर है कमलनाथ जी? आज कहां पर है कांग्रेस के बाकी के नेता जो इस दुष्कर्मी पर, इस शोषण करने वाले बाबा पर चुप होकर बैठे हैं?